राखी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं देख कैसे नहीं पाई कि वो मेरे भाई से प्यार नहीं करती, वो किसी और से प्यार करती है। मुझे अजीब सा डर लग रहा है। ऋषभ, तुम्हें राखी का बदला लेना है, तुम्हारी बहन का बदला लेना है, हमें इंसाफ देना है राखी को। कैसे मारेंगे उस ब्रह्मराक्षस को? हर बुराई का तोड़ होता है ना, तो इसका भी तोड़ होगा। तो तुम कार खराब कर रही थी है ना? हाँ तो? तुम पागल हो? पता तुम्हें कितना बड़ा हादसा हो सकता था? हादसा तो हो गया है, वो भी बहुत बड़ा राखी के साथ, उससे बड़ा क्या हादसा हो सकता है? देखो, मेरी कोई सगी बहन नहीं है, सिर्फ पापा और मैं। राखी मेरे लिए सिर्फ दोस्त नहीं, बहन से भी कई ज्यादा मेरा परिवार, मेरा सब कुछ थी। उसके साथ मैं अपनी छोटी छोटी बातें शेयर करती थी। राखी मेरी भी बहन थी, मुझे भी उसका बदला लेना है, लेकिन इस तरह सबकी जान दांव पे लगा के नहीं। तुम्हें पता तुमने कितना बड़ा खतरा मोल लिया? अरे तुम्हारी जान जा सकती थी जिद्दी, सबकी जान जा सकती थी। स्टॉप इट, मैंने बस वायरिंग में छोटी मोटी गड़बड़ क्या कर दी, इसमें किसी की जान खतरे में नहीं डाली मैंने। मुझे पता था इतनी छोटी प्रॉब्लम में किसी को कुछ नहीं होने वाला। मैंने कहा था ना मैं कुछ न कुछ कर लूंगा, तुम्हें क्या जरूरत थी ये सब करने की? तुम्हें देखकर लगा नहीं कि तुम कुछ करोगे। वैसे एक बात तो तय है, तुम्हारे अंदर ब्रह्म राक्षस बिल्कुल नहीं हो सकता। हाँ? अरे तुम पहले से राक्षस हो, एक राक्षस के अंदर दूसरा राक्षस कैसे आएगा? चलो, चलो। चलो ऋषभ। लेकिन युग जो हुआ सो हुआ, अब गुस्सा करके कोई फायदा नहीं है। पता है, मुझे अभी एक अजीब एहसास हुआ, अगर ब्रह्मराक्षस हम में से ही किसी एक में है तो हम में से कोई मर चुका है। अंकल स्टॉप इट यार, ये आप पहले भी बोल चुके हैं। लेकिन अब मैं सीरियस हूँ, हमें चेक करना होगा कि वो कौन है जो मर चुका है। अरे कैसे अनिल, हम सब जिंदा है तो कौन मरा है यहाँ? बताता हूँ, मान लो ब्रह्मराक्षस तुम्हारे अंदर। अरे व्हाट नॉनसेंस यार, कुछ भी आप बोलते हो, कैसे हो सकता मेरे अंदर? अरे पूरी बात तो सुन लो, मैंने कहा मान लो अगर वो तुम्हारे अंदर है, अगर वो तुम्हारे अंदर है तो तुम सांस नहीं ले पाओगी, क्योंकि जो मर जाता है वो सांस नहीं ले सकता, और जो जिंदा है वही सांस लेगा। इसका मतलब जो सांस नहीं ले रहा है वही ब्रह्मराक्षस है। मुझे चेक करना होगा। हाँ अंकल चेक करते हैं। हाँ मैं चेक करता हूँ। ये जिंदा है, ये भी जिंदा है। ये दोनों भी जिंदा है। अंकल युग भैया। चल शट अप, मुझे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, बकवास है ये सब। सुनिए, चेक कर रहे हैं तो करा लीजिए ना चेक। डैड व्हाट इज दिस? योग चेक कीजिए आप। हाँ, ये भी जिंदा है। वेद गाड़ी ठीक करेगा भी या नहीं? क्या कर रहे हैं भाई साहब? चेक कर रहा हूँ कि सांस आपकी चल रही है या नहीं, आप में ब्रह्म राक्षस है या नहीं, बंच ऑफ फूल। योग सुनो तो, चेक कर लो, चेक कर लो, सांस नहीं चल रही। बुआजी में ब्रह्मराक्षस है। पागल हो गए सबके सब, दिमाग खराब है? ये लोग तो पागल हैं, और साथ में आप भी ऐसे ही बिहेव कर रहे हैं। आप इनको ये नहीं बता सकते कल रात से मेरी तबीयत खराब है, नाक बंद है, मुंह से सांस ले रही हूँ। अरे हाँ ये तो है। नहीं, सांस ले रही है, ब्रह्मराक्षस नहीं है। और ये वेद, सारी रात निकल जाएगी लेकिन इससे गाड़ी ठीक नहीं होगी। आप लोगों में से कोई जाके एक मैकेनिक क्यों नहीं बुलाता? और बाकी के बच्चे कहाँ हैं? है ना, एक यही नीचे है। मन तो करता है कच्चा जवा जाओ इसे। ओ आ जा बाहर। आ ब्रह्मराक्षस, मुझे छोड़ दो। युग भैया मैं ठीक कर ही रहा था। इडियट, चल आ जा बाहर, आ जा बाहर। मैं किसी मैकेनिक को ढूंढ के लाता हूं। चल वेद साथ चल। ओके अंकल, मैं भी साथ चलती हूं। आ जाओ। चलो ऊपर उस कमरे में। वो
पोर्ट्रेट उस कमरे में है। वहां कोई है, चलो। वेद कहाँ है? आप कहाँ थे? वेद भैया भी चले गए, आप भी गायब हो गए, आप दोनों गायब हो गए, मुझे इतना डर लग रहा था। ये वेद अचानक कहाँ चला गया? वो आ रहा है। कौन? ब्रह्मराक्षस? अरे नहीं, वेद भैया। क्या वो तुम लोग इतने डरे हुए क्यों? ये क्या है? सांप। सांप? मरा हुआ है। अब तुम पूछो किसने मारा है? ब्रह्मराक्षस। नहीं, मैंने मारा। अरे वो क्योंकि पहले तुम ये बताओ कि तुम कहाँ गए थे? ऐसे बिना बताए अचानक चले कहाँ गए थे? मैं वहाँ गया था, मुझे लगी थी। वो क्या? अरे वही जिसके लगने पे सब गायब हो जाते हैं, सूसू। और वहीं पे मुझे ये सांप मिल गया। Yeah.
यही है वो खूनी और राक्षस। उठ, मेरी फ्रेंड का कातिल आज तुम नहीं बचोगे, तुम नहीं बचोगे। अजय, अजय भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ आया था। सच सच बताना, झूठ मत बोलना, क्या कर रहे थे यहाँ तुम? यहाँ मेरी राखी मुझे छोड़ के गई थी। रैना मुझे बहुत याद आ रही थी राखी की। मैं राखी के बिना नहीं जी सकता, इसलिए मैं यहाँ आया था, बस कुछ वक्त अकेले में उसके साथ बिताने। अच्छा, इसी हवेली में उसका एहसास है, यहीं आई थी वो आखिरी बार। अगर ऐसा है तो हमें देखकर भागे क्यों? मुझे लगा उस हवेली में कोई है, जैसे कि ब्रह्मराक्षस मेरा पीछा कर रहा हो। ऐसा कैसे लगा तुम्हें? मुझे किसी के गरजने की भयानक सी आवाज सुनाई थी, कोई भारी पैरों से मेरे पीछे चल रहा हो, जैसे कोई राक्षस। अच्छा, डैड कब से फोन ट्राई कर रहा हूँ, ना ऋषभ का लग रहा है ना रैना का, और ये क्या हो रहा है, सब लोग गायब कहाँ हो गए? एक मैकेनिक लाने जाने के लिए सबको जाने की क्या जरूरत है, बताइए आप? मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है, कहीं उस ब्रह्मराक्षस ने उन पर अटैक तो नहीं कर दिया होगा। कौन है वहां? अरे बोलो, कौन है वहां? रैना, तुम्हें नहीं लग रहा अजय कुछ अजीब सी बातें कर रहा है? इतनी रात को अकेला भूतिया हवेली गया था शोक मनाने के लिए। ऋषभ, उस हवेली में कोई भूत नहीं है। हाँ, लेकिन ब्रह्मराक्षस तो है। प्यार दीवाना होता है ऋषभ, ये सब तो नजर ही नहीं आता जब इंसान प्यार में हो। अजय भैया राखी से बहुत प्यार करते थे, इसलिए वहां चले गए। आई नो कि राखी अजय भैया से प्यार नहीं करती थी, पर अजय भैया का प्यार तो सच्चा था ना। कितनी मेहनत से हवेली गए, कोई फायदा नहीं हुआ। वो पेंटिंग तो देख ही नहीं पाया जो देखने गए थे। कम से कम इतना तो पता चल गया ना कि वो ब्रह्मराक्षस लड़कियों से कितनी नफरत करता है, इसीलिए तो सबको इतनी बेरहमी से मारता है वो। हाँ, खूनी है वो। एक लड़की ने उसको मारा और अब वो सबको मार रहा है। जो लोग प्यार करते हैं वो ऐसे लोगों को मारते नहीं। उसने पहले उस लड़की से इतनी बेपनाह मोहब्बत की और फिर इतनी नफरत कि वो लोगों को मारने लग गया, इंसान से शैतान बन गया। आई कांट बिलीव दिस। यही कहानी है उस ब्रह्मराक्षस की। लेकिन तुम्हें लगता है कि ब्रह्मराक्षस सच में इतना बुरा है? मुझे तो लगता है बुरी वो लड़की है जिससे उस राक्षस ने इतना प्यार किया और उसने उसी को मार डाला। जरा सोचो, तुम्हारा कोई अपना तुम्हें पहाड़ी से नीचे फेंक दे और मार दे। तुम्हें कैसे पता कि उस लड़की ने उसे ऊंची पहाड़ी से नीचे फेंक दिया? ये बात तो किसी को नहीं पता। अरे चिंदी, तुमने तो बताया था मुझे, पूरी कहानी सुनाई थी तुमने तो बताया था। नहीं, मुझे तो याद नहीं है कि मैंने तुम्हें ये बात कब बताई। इनफैक्ट मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी, आज पहली बार तुम्हारे मुंह से सुन रही हूँ। तो हो सकता किसी और ने यह बात बताई हो, अनिल अंकल ने बताई होगी, उन्हें तो ब्रह्मराक्षस के बारे में सब कुछ पता है, ब्रह्मराक्षस की हिस्ट्री मिस्ट्री सब जानते हो। सोचो, वो ब्रह्मराक्षस हम में से कोई एक है। पता है, मुझे डर इस बात का नहीं लग रहा कि ब्रह्मराक्षस कौन है, डर इस बात का लग रहा है कि हमें अपने ही हाथों से किसी अपने को मारना होगा। सोचो, कभी ऐसा होगा तो क्या होगा कि तुम जिस पे सबसे ज्यादा भरोसा करती हो वही ब्रह्मराक्षस हो और वो तुम्हें मार कर निकल जाए। ऋषभ को कैसे पता कि ब्रह्मराक्षस पहाड़ी की ऊंचाई से नीचे गिर के मरा था? कहीं ऋषभ तो ब्रह्म
मैकेनिक आप ही लोगों को चाहिए ना? ये ना वही ब्राह्म राक्षस है, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं। कितनी बार बोला है नैना, मुंह बंद रखो अपना, मैकेनिक है ये। एक मिनट रुको जरा, अब किसने भेजा तुम्हें? साहब ने भेजा है। कौन से साहब ने? नाम पता नहीं, मैं गाड़ी ठीक करता हूँ। हाँ जा। अजय ये क्या हाल बना रखा है तूने? तू ठीक तो है? हाँ मॉम मैं ठीक हूँ। झाड़ियों में एक जंगली जानवर था, वो अचानक से मेरे सामने आ गया, मेरा पीछा करने लगा पर मैं वहां से भागा। ये अजय सच क्यों नहीं बता रहा? इसे तो लगा था ब्रह्मराक्षस इसका पीछा कर रहा था, शायद इसने तो ब्रह्मराक्षस को देखा भी था, तो जानवर क्यों बोल रहा है? इस मैकेनिक को तुम लोगों ने भेजा है क्या? नहीं तो हमें कोई मैकेनिक मिला ही नहीं। हे भगवान। नैना तुम शायद सही कह रही थी, ये ब्रह्मराक्षस है। हाँ मम्मी जी यही ब्रह्मराक्षस होगा। मिला ब्रह्मराक्षस? लेकिन मुझे मिला, ढूंढने गया था वेद को लेकिन ब्रह्मराक्षस मिल गया। अरे ठहरो नहीं, मैं मैकेनिक की बात कर रहा हूं। लेकिन वेद कहाँ गया? वो तो आपके साथ गया था। अरे वो वेद भैया, वो वेद भैया को भी सूसू लगी थी, मगर वो गए अकेले थे और लेकर उसे आए। तुम राक्षस को? नहीं नहीं मारे हुए सांप को। वेद, वेद ने सांप को मारा? एक मच्छर को तो मार नहीं सकता, ये मारेगा सांप को? इसका मतलब वेद भैया ब्रह्मराक्षस? अरे वो मुझे मार देता तो मैंने अपने डिफेंस में कुछ किया और मेरे कुछ करने से वो मर गया। आई डोंट नो वो कैसे मर गया। हाँ गाड़ी ठीक हो गई है सर। ये लो पैसे। थैंक यू। चलिए ना आप, गाड़ियां ठीक हो गई, चलिए चलिए। चलो 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 भाई सब चलो जल्दी से। चलो सब लोग। चलो नैना भागो। नैना गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बैठो। योग गाड़ी में बैठ, योग चल। पहले गाड़ी खराब हो गई और अब ये मौसम खराब हो गया है। भैया मुझे लगता है हमें कोई रोक रहा है, कोई है जो नहीं चाहता हम यहाँ से जाएं। वो शायद यहाँ आ रहा है। अनिल प्लीज स्टॉप इट, मुझे बस यहाँ से निकलना, दैट्स इट। लेकिन ऐसे खराब मौसम में जाएंगे कैसे? काश कुछ ऐसा हो जाए कि हम यहीं रुक जाएं। मैं यहीं इस गांव में रुक जाऊं, कहीं ना जाऊं। बेटा बोलने से पहले ना एक बार सोच लिया करो, कई बार मुंह से निकली हुई बात सच भी हो जाती है। हमारी गाड़ी फिर खराब हो गई। क्या हुआ? डैमेट ये गाड़ी भी बंद पड़ गई। अब ये कार फिर खराब हो गई, क्या हो रहा है? क्या हुआ ऋषभ? पता नहीं क्या हुआ, हमारी कार बंद पड़ गई। गाड़ी तो हमारी भी बंद पड़ गई, हमारी भी। अच्छा मुझे तो लगता है आज का दिन ही मनहूस है। पहले गाड़ियाँ खराब हो गई, अब मौसम भी इतना खराब हो गया। घर चलते हैं ना, यहाँ इस जंगल में खड़े रहना खतरे से खाली नहीं है। हाँ भाभी लेकिन घर जाएंगे कैसे? ये तीनों गाड़ियाँ तो खराब हो गई हैं। अनिल प्लीज आई जस्ट वांट टू लीव राइट नाउ, दैट्स इट। जाओगी कैसे? पैदल? पैदल घर तक तो चली सकते हैं ना। घबराइए मत, रैना के पास अस्त्र शस्त्र ब्रह्मास्त्र सब कुछ है, कमल राजगिरा सब कुछ है, हम सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी अंकल आपने तो कमल का पूरा डिजाइनर जैकेट पहन रखा है, आपको क्या डर? इनफैक्ट आपको तो आगे आगे चलना चाहिए, हम आपके पीछे पीछे चलेंगे, सेफ रहेंगे। चलो चलो उनका पीछा करो, उनके पीछे पीछे चलो। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे कोई है जो चाहता ही नहीं कि हम इस गांव को छोड़कर जाएं, बार बार हमें रोक लेता है। ऐसा कुछ नहीं है मोहिनी, आज नहीं तो कल हम वापस चले ही जाएंगे। जाना तो सब कोई है, डरने की क्या बात है, सिर्फ एक रात की ही तो बात है।
तो कोई नहीं है, फिर मुझे क्यों लगा कि यहाँ कोई था? कौन था यहाँ? कोई तो था, कोई तो जरूर था यहाँ। मॉम,
ढूंढा था ना, मुझे नहीं पता था घर में कहाँ पे है। अरे भाई ये बकवास बंद करो और जल्दी उठाओ। ऋषभ उसी वक्त क्यों गायब हो गया जिस वक्त इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी? इसकी माँ की जिंदगी दाव पे लगी हुई थी और ये गायब? क्या ये सच में राजगिरा लेने गया था? मोहिनी, मोहिनी, मोहिनी। बुआ जी, ये ग्रीन टी पी लीजिए ना, आपको अच्छा लगेगा। प्लीज। नो, नो। अच्छा 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 ठीक है ठीक है। देखो मोहिनी, मोहिनी वो चला गया, वो वापस नहीं आएगा। तुम्हारा आगे तो, तुम्हारा आगे तो। बाबूजी मुझे बहुत डर लग रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा ये सब वो कह रहा है। जब से हम इस गांव में आए तब से कुछ ना कुछ हुए जा रहा है और अब पता नहीं वो राक्षस किसके अंदर है। डैड, मैं एक मिनट पूरे घर में देख लेता हूँ कि कौन है कौन नहीं। आई गेस अनिल अंकल सही कह रहे हैं, हमारे घर में ही राक्षस है और हमारे किसी फैमिली मेंबर के अंदर है। हाँ, कुछ नहीं होगा मॉम, युग संभाल के संभाल। मोहिनी, मोहिनी शांत हो जाओ। मोहिनी, मोहिनी प्लीज। मुझे बहुत चिंता हो रही है। किसकी किसकी? अरे घर में इतना बड़ा कांड हो गया, ब्रह्म राक्षस घर में घुस गया था, मेरी मॉम पे अटैक किया उसने, मेरी जान निकल गई थी। तुम्हारी जान निकल रही थी? चिंदी ये तुम कैसी बात कर रही हो? एक मिनट, वो ब्रह्म राक्षस कहीं तुम्हारे अंदर तो नहीं है? अब आया ना चोर की दाढ़ी में तिनका, गलती खुद करो और फिर सामने वाले के सर पर टोकरी रख दो, है ना? मैंने गलती, ये तुम क्या कह रही हो तुम? तब भी समझ जाना चाहिए था मुझे, जब हवेली जाने के बदले तुमने आंटी को हाँ कहा ना, तब भी समझ में आना चाहिए। अरे क्या समझ गई थी? मुझे समझ में नहीं आ रहा। देखो देखो मेरा दिमाग बहुत खराब, चिंदी और खराब मत करो, नहीं तो मैं। नहीं तो क्या? डरने वाली नहीं मैं, जानती हूँ जो इंसान पट से अपनी माँ की बात मान गया, हवेली जाने से पीछे हट गया, वो तो राखी का भाई हो ही नहीं सकता। राखी का भाई तो उसे इंसाफ दिलाना चाहता था, वो तो हवेली जाना चाहता था, सुराग ढूंढना चाहता था। पागल गाज में छोड़ूंगा। क्या लगता है तुम्हें? तुम डराओगे मैं डर जाऊंगी, तुम मारोगे तो मैं मर जाऊंगी। तुम्हें डरना पड़ेगा, पड़ेगा तुम्हें मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। मैं ब्रह्म राक्षस हूं। ओह गॉड, एटलीस्ट मैं तो ब्रह्म राक्षस नहीं हूं, तो मुझे तो ऐसे ना ही देखो। आई गेस आज रात के ड्रामे का कोटा हो ही गया। आई एम रियली फेड अप यार। क्या हो रहा है? तुमने घर में देखा सबको? सब लोग हैं जी? मामा जी, मॉम डैड अपने रूम में हैं, मिताली और नैना भी उन्हीं के साथ हैं। आप यहाँ हैं, वेद यहाँ हैं, आंटी यहाँ हैं, अजय कहाँ है? तुम्हारी बहन ने जो उसे धोखा दिया ना, वो उसका शोक मना रहा है। मनाने दो उसको प्लीज ना, ही इज ऑलरेडी वेरी डिस्टर्ब, प्लीज डोंट डिस्टर्ब हिम एनीमोर। अच्छा वेद, जरा उसके डोर पे नॉक तो कर। कोशिश भी मत करना। पहले तुम लोगों ने उसके साथ कुछ कम किया, जब और पहले राखी ने उसे धोखा दिया, फिर उसकी मौत, दो दो सदमे, इतनी तकलीफ, इतनी, अब और तकलीफ देना चाहते हो उसे क्यों? I'm telling you, वो ब्रह्म राक्षस नहीं है, is that clear to you? Okay आंटी, okay वो नहीं है, पर कोई तो है। अरे तुम्हें क्या लगता है मैं ब्रह्म राक्षस हूँ? तुम्हारे दिमाग में ब्रह्म राक्षस लेके गया है। तुम पहले आधी पागल थी, पूरी पागल हो गई हो। देखो देखो अपने ब्रह्मास्त्र प्लीज नीचे करो, नीचे रखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। पास बताओ मेरे, मुझे पता है वो तुम ही हो, मैं चिल्लाऊंगी, मैं कह रही हूँ पास बताओ मेरे। कौन हूँ मैं, कौन हूँ मैं, बताओ कौन हूँ मैं? ब्रह्म राक्षस तुम ही हो ना, वो ब्रह्म राक्षस। मीटिंग की बातें करके मुझे पास लाओगे और फिर जो तुम्हें उठाकर ले जाएगा और गांव की चौपाल में मिठाई की दुकान खोल देगा और अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया ब्रह्म राक्षस, तुम्हारा दिमाग उठाकर ले गया। सुनो मेरी बात सुनो, यू नीड माई हेल्प, यहाँ बैठो। नहीं, वो ब्रह्म राक्षस तुम ही हो। ऋषभ की एक्टिंग कर रहे हो ना, अभी साबित करती हूँ। ये लो। आ गया तुम्हारा सिंदूर, अब तुम भी आ जाओ, आ जाओ, तुम्हारी दुल्हन भी आ रही है, आ जाओ। आ गया तुम्हारा सिंदूर, अब तो तुम आ जाओ। आओ ना, तुम्हारी दुल्हन आई है,
आ जाओ देखो सिद्धू सिद्धू तुम्हारी दुल्हन आई है, अब तुम भी आ जाओ शैतान जगा दिया तुमने। मेरे सर पे खून सवार है और आज खून की होली का त्योहार है, मगर मैं ब्रह्म राक्षस नहीं हूं। पर तुम पूरी जोकर हो चिंदी, तुम क्या करती हो यार? अच्छा जोक था, फुल टाइम पास। तुम्हें सच में लगा मैं ब्रह्म राक्षस हूं? तुम पागल हो गई हो? ब्रह्म राक्षस हूं तुम्हें सच में ऐसा लगा? पर अगर तुम ब्रह्म राक्षस नहीं हो तो फिर और कौन है? ब्रह्म राक्षस, ये ब्रह्म राक्षस कौन है, किधर है, किसके अंदर है? क्या पूरी रात बैठ के हम ये पजल सॉल्व करते रहेंगे क्या? भाभी जी प्लीज आप शांत हो जाइए। देखिए रात बहुत हो चुकी है, आप जाकर सो जाइए। दोबारा किसी पे अटैक करेगा? हाँ हाँ, देखिए सुनिए, आप सब लोग याद रखिए, आप अपने पास राजगिरा और कमल का फूल रखिए। ब्रह्म राक्षस से बचने के लिए दे दो सबको दे दो। नलिन भाई साहब सुनिए ना, वो गांव से आप वो किराए वालों को बुला लीजिए जो बंदूक से राजगिरा फेंक करके राक्षस को भगाते हैं, आज उन्हें पैर पे लगा दीजिए ना प्लीज। ये ठीक कह रही है, ये सही रहेगा। एक्चुअली दिक्कत ये है कि हमारे घर के किसी अपने से ही हमें खतरा है, कोई ना कोई हमारा अपना ही जो है उसमें ब्रह्म राक्षस है, और रात में कभी भी वो घात कर सकता है, और हमें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि किस चेहरे पर उसका चेहरा है। एक खुशखबरी, छोटी सी है लेकिन सबके लिए बहुत बड़ी है, कुछ ही घंटों में वो बस यहां आ जाएगी जो सबको इस गांव की हद से बाहर ले जाएगी। सुबह होते ही सब यहां से चले जाएंगे, गॉड नोस इस बार भी जाने के लिए जाएंगे या आने के लिए जाएंगे। अनिल इस वक्त भी आपको मजाक सूझ रहा है? अरे मैं तो ऐसे ही कह रहा हूँ, बस कुछ ही घंटों की बात है फिर जाना है। मोहिनी इज राइट, व्हाट ही इज सेइंग इज एब्सोल्युटली राइट, बस कुछ घंटों की और बात है, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, हम इस गांव से ही चले जाएंगे और फिर हम कभी लौट के नहीं आएंगे। सीरियसली भाई साहब प्लीज संभालिए ना। सुबह होने में सिर्फ एक घंटा बचा, ये एक घंटा निकलते ही हम सब यहाँ से चले जाएंगे, हम सब सीधा अपने घर जाएंगे। ओके सब ठीक हो जाएगा। हाँ ये घंटा बीत जाए तो, ये रात बीत जाए तो, पता नहीं कब खत्म होगी ये तलाश। फिर से तुम वही कर रहे हो, फिर से तुम मुझे डराओगे, फिर से मेरा मजाक उड़ाओगे, बस ऋषभ अब और बर्दाश्त नहीं होता,
क्या है ये बेहुदा मजाक बात बात पे? क्या लगता है ये मजाक करके मुझे मजा आता है? अरे मेरी बहन थी वो, डेविड मेरी बहन थी, उसे मैंने हंसते खेलते जीते हुए देखा था और मरते हुए देखा मैंने। इसी अपने को खोना क्या होता, तुम क्या जानो? तुम क्या जानो दिल अंदर से कितना रोता है? तुम क्या जानो दर्द क्या होता है? ये होठों पे हंसी आंखों में दर्द, हंसने वाला कितना रोता है तुम क्या जानो? तुम्हें क्या लगता है ये मजाक मैं अपनी मस्ती के लिए करता हूं? मेरी बहन थी वो, पूरा घर हिल गया, सब टूट गए। मैं इसलिए मस्ती मजाक करता हूं ताकि सब टूट ना जाए, उनका एक दूसरे पे विश्वास बना रहे। क्या लगता है तुम्हें मैं भूल गया अपनी बहन की चीख, वो लाल खून, उसकी दर्द भरी आवाज, सब याद है मुझे। हर पल बुलाती, हर पल मेरा खून खोलता है, कहता है जा जा ऋषभ, उस राक्षस को मार दे, अपनी बहन की मौत का बदला ले उस राक्षस से। पर क्या करूं मैं, कमल राजगिरा सब करके देख लिया, गांव वाले ने पूजा भी कर ली, इनफैक्ट गांव वाले कई सालों से कोशिश कर रहे उसे पकड़ने की, लेकिन आज तक कोई ब्रह्म राक्षस को पकड़ नहीं पाया। वो अपने बिल से बाहर आता ही नहीं है, वो उसी वक्त अपने आपे से बाहर हो जाता है जब वो किसी दुल्हन को देखता है। 16 श्रृंगार करती है, सिंदूर मंगलसूत्र मांग टीका चूड़ा पहनती है, जब तक सुहागन की निशानियां सामने नहीं आती वो बाहर ही नहीं आता है। उसे सामने लाना तो किसी दुल्हन को सामने लाना होगा, पर इस गांव में तो कोई दुल्हन बनती ही नहीं, और बनेगी भी क्यों? कोई जानबूझ के क्यों अपने आप को मौत के हवाले करेगी? हर दुल्हन अपनी शादी में अपने दोस्तों मेहमानों रिश्तेदारों को न्योता देती है, कोई जानबूझ के उस राक्षस को, उस मौत को न्योता क्यों देगी? पति के घर जाने वाली लड़की राक्षस की गलियों से क्यों गुजरेगी? I'm so sorry, मुझे पता नहीं था ये क्या क्या। छोड़ो, कहां इस गांव में कोई ऐसी लड़की जो मरने के लिए दुल्हन बनेगी? अगर ऐसी कोई लड़की हो तो मतलब है एक ऐसी लड़की। अरे कौन है वो लड़की जो मेरी बहन को इंसाफ दिलाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगाएगी? मैं अगर मेरे दुल्हन बनने से पाप का संहार होता है, राखी की आत्मा का उद्धार होता है, मेरी दोस्त और तुम्हारी बहन का खूनी तार तार होता है, तो मैं दुल्हन बनूंगी। लेकिन रैना। हाँ ऋषभ, परसों बाद इस गांव में टोली उठेगी शगनों वाली, दुल्हन सजेगी सुहागनों वाली, इस गांव का द्वार होगा, दुल्हन का 16 श्रृंगार होगा, फिर हाथों में चूड़ा, बदन पर लाज जोड़ा, माथे पर मांग टीका, गले में मंगलसूत्र, आंखों में दुल्हन का नूर और माथे पर सुहागन का गुरूर, ये सिंदूर, दुल्हन का शबाब भी होगा और शराब भी होगा, अग्नि भी होगी और अग्नि की साक्षी भी होगी, सात फेरे भी होंगे, हर रस्म हर कस्म होगी, शादी का मुहूर्त भी आएगा और बिन बुलाया वो एक मेहमान भी आएगा, ब्रह्मराक्ष, और इस बार उस मेहमान की ऐसी मेहमान नवाजी होगी कि उसका आना ही उसका विनाश ले आएगा, उसका नामो निशान मिट जाएगा। बोलो ऋषभ, मंजूर है तुम्हें? ये दुल्हन पूछ रही है तुमसे, शादी करोगे मुझसे? थामोगे मेरा हाथ? बदलोगे इस गांव की कायनात? करोगे उस राक्षस का सर्वनाश? थामूंगा मैं तुम्हारा हाथ, करूंगा मैं तुमसे शादी। उस
राक्षस के विनाश के लिए, उसके सर्वनाश के लिए बनूंगा मैं तुम्हारा पति। अपनी बहन के लिए मैं कुछ भी करूंगा, मुझे अपनी बहन को इंसाफ दिलाना है, उस राक्षस को सबके सामने लाना है, उसका वजूद तक मिटाना है मुझे। हर्ष, जब भी कोई लड़की दुल्हन बनती है तो अपने घर से विदा होती है। इस बार ये लड़की दुल्हन बनेगी उस राक्षस को इस गांव से विदा करने के लिए। इस बार दुल्हन का सिंदूर, चूड़ा, मंगलसूत्र दुल्हन की नहीं, दुल्हन की नहीं, उस राक्षस की मौत लाएगी। आज उस राक्षस का विनाश आया है, आज एक दुल्हन ने चाल बिछाया है। चलो ऋषभ, यहाँ से चलते। नहीं। क्या हुआ? चलो ना। ऐसे नहीं। ऐसे नहीं का क्या मतलब है? अब किस बात का इंतजार है? कहीं तुमने अपना इरादा तो नहीं बदल दिया? ऋषभ, शादी करनी है नहीं करनी है ये सोचने का वक्त नहीं हमारे पास। कल हम इस गांव से चले जाएंगे और हमारा मौका भी चला जाएगा। रह जाएगा तो बस उस शैतान का खौफ और राखी का बदला। फिर ये मौत की कहानी सिर्फ एक दर्दनाक याद बनकर रह जाएगी। फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे ऋषभ, सिर्फ राखी के मौत के बारे में रोते रहेंगे। प्लीज चलो यहाँ से। बैठो। नहीं, बैठने का वक्त नहीं हमारे पास, चलो। मैंने कहा बैठो। नहीं ऋषभ, चुपचाप बैठो, हिलना मत। मैं भी गया अभी आया। अब तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? मैंने कहा चुप रहो, हिलना मत। ऋषभ, 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 प्लीज भाग मत जाना, ये असली शादी नहीं है। और प्लीज ऐसा मत सोचो कि मैंने कोई जाल बिछाया तुम्हें फंसाने के लिए, मौके का फायदा उठाकर मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट मैं सच कहूँ तो मुझे शादी करने का कोई शौक नहीं है ऋषभ। अगर तुम मुझसे सामने से भी पूछ लेना तो अभी मैं मना करती। ऋषभ, तुम टेंशन मत लो कि मैं तुम्हारी दुल्हन बन रही हूँ, प्लीज। अच्छा लगा जानकर तुम इतना सोचती हो। ऋषभ, अब तुम उससे शादी नहीं करोगे, अब तुम अपनी बहन का बदला नहीं लोगे, अब तुम उस राक्षस को सजा नहीं दिलाना चाहते, अब तुम उसे मारना नहीं चाहते क्या? नहीं, मैं नहीं चाहता उसे मारने से पहले हम में से कोई एक मर जाए। ऋषभ, तुम चुप, चुप। तुम दुल्हन बनोगी, उसे सामने आने का न्योता दोगी, वो सामने आएगा, फिर तुम्हें पता उसे कैसे मारना है? पता है तुम्हें? हाँ, हमारे पास कमल का फूल है ना। कमल का फूल देख के सिर्फ वो डरेगा, भाग जाएगा, मरेगा नहीं। राजगिरा, रहना, राजगिरा भी उसे मार नहीं पाएगा। हमें उसे भगाना नहीं, हमें उसे मारना है। पहले हमें ये पता करना होगा उसे मार कैसे सकते हैं। ये बात तो किसी को नहीं पता ऋषभ, तो हमें कौन बताएगा? मतलब हम उस राक्षस का विनाश नहीं कर सकते क्योंकि हम जानते ही नहीं कि उसका विनाश कैसे करें। मतलब इस बार भी वो बच जाएगा, जाने देंगे क्या? नहीं रहना। नहीं नहीं नहीं, मतलब क्या तुम्हें कोई तरीका पता है? क्या पता है? मैं कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। ढूंढूंगा नहीं ऋषभ, रास्ता है। रावण है तो राम भी है ना, कंस है तो कृष्ण भी। ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाता है, एक शैतान क्या चीज है? हम दोनों मिलकर एक शैतान का विनाश नहीं कर सकते क्या ऋषभ? करेंगे रहना, करेंगे रहना। हम उसे छोड़ेंगे, उसे छोड़ेंगे, हम उसे मारेंगे, उसे मारेंगे, उसे मारे बिना इस गांव से जाएंगे नहीं, उसे जाएंगे नहीं।